नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। इओसीन काल से ओलिगोसीन काल तक बना हुआ हिमालय आज भी निर्माणाधीन है। जी हाँ, भूगर्भ विशेषज्ञ बताते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण आज भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आपको ये कहानी क्यों सुनाने लगे, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कहानी है। दरअसल आप ये समझें कि एक कोई बूढ़ा आदमी है, वो किसी शहर में अपना एक मकान बनाता है। लेकिन क्या हो कि अगर कुछ ही समय में उसे अपना मकान, सारी जायदाद, सब कुछ छोड़ के जाना पड़े। ऐसा ही हो रहा है जोशीमठ के लोगों के साथ, एक दो नहीं कई हजारों लोग। तो समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो क्षेत्र होते हैं उनको शीत हिमरेखा क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि विंटर स्लो लाइन। ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्दियों के समय में बर्फ जमी रहती है। तो जोशीमठ भी ऐसे ही एक क्षेत्र में पड़ता है। जोशीमठ जिस मलबे के पहाड़ पर खड़ा है, तो उस ऊंचाई पर बसे हुए हिमालयी क्षेत्र को पैरा ग्लेशियन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऐसे जगह जहां पर कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। कालांतर में वो ग्लेशियर तो पिघल गए, लेकिन उसका मलबा वहीं पर बचा रह गया। और ऐसे ही एक मलबे के ढेर पर जोशीमठ भी बसा हुआ है। अब होता क्या है कि जो ऐसे क्षेत्र होते हैं उनको डिस इक्विलिब्रियम क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो जमीन का संतुलन है अभी बहुत सही से बना नहीं हुआ है। अब होगा क्या कि अगर हम ऐसे क्षेत्रों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्माण करने लगेंगे, भारी निर्माण करने लगेंगे, तो वो क्षेत्र दरकने लग जाएगा। तो पैराग्लेशियर क्षेत्र में के बारे में जो भी भूगर्भ शास्त्री हैं उनका मानना यह है कि उस क्षेत्र में अगर हल्का सा भी भूकंप आता है या फिर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो जो भी पूरा क्षेत्र है वो पूरा खिसक के नीचे आ जाएगा। 1976 में मिश्रा कमीशन ने ऐसी ही एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें बताया गया था कि जोशीमठ में भारी निर्माण बिल्कुल मना है। ऐसे ही 2001 में स्थानीय जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट बनाई। उसमें ये बताया गया कि ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल भी निर्माण नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 2021 को भी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, बाढ़, जिसमें कि 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अब जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं का मुख्य कारण जो उस क्षेत्र में रह रहे लोग हैं वो बताते हैं कि एनटीपीसी की एक परियोजना, जिस परियोजना का नाम है तपोवन विष्णुगार परियोजना। इसमें 16 साल से अभी तक काम चल रहा है, जिसके लिए शहर के नीचे से एक टनल, एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसके लिए बहुत ज्यादा ब्लास्ट किए जा रहे हैं। अब ब्लास्ट होंगे तो क्या होगा कि जमीन जो है वो दरकेगी। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि स्विस भूवैज्ञानिक जो अर्नोल्ड हिम है, उन्होंने भी बहुत पहले एक अध्ययन करा था। उन्होंने बताया था कि ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा इको सेंसिटिव जोन है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में कोई भी भारी विनिर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार इन सभी रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला रही है। कुछ ही समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो फूलों की घाटी थी वहां पर भी गुप्ता बंधुओं को शादी करने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया गया था। अगर सरकार इस चीज को अनदेखा करते रहेगी तो जोशीमठ की तरह हमारे पहाड़ के और गांव भी इसी तरह से खतरे की जद में आते जाएंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और स्थानीय लोगों के रहने के लिए जरूर ही कोई प्रबंधन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने चाहिए। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।